नमस्ते साथियों, जय हिंद। और शिक्षक बहाली के जितने भी विषय हैं TRE 1 से लेकर TRE 2 तक और सारे समस्याओं को आप अपडेट अगर जानते होंगे तो ये आपको पता होगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट से लेकर CTET अपीयरिंग, DLED अपीयरिंग और STT अपीयरिंग और एज रिलैक्सेशन और अटेम्प्ट, यानी 4-5 ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार घमासान मचा था। और अभी भी सरकार से हम लोग डिमांड कर रहे हैं, कई ऐसे सैकड़ों अभ्यर्थी हैं जो रोज़ कॉल करते हैं और खासकर 2-3 मुद्दों पर विशेष वो उनकी नज़र रहती है, खासकर जो STT अपीयरिंग के मामले हैं। साथियों, आपको पता है कि STT की जो परीक्षाएं हैं उसका डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और संभावित है कि वो मार्च महीने में आयोजित होगी, तो क्यों ना उनको एक मौका परीक्षा में बैठने के लिए दिया जाता। और जो एज रिलैक्सेशन है जिनको लेकर 10 वर्ष बढ़ाने की मांग की जा रही है उसको लेकर भी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और लगातार लोग डिमांड करें। इसके लिए आप सबको पता है कि कल एक महत्वपूर्ण बैठक गांधी मैदान के पास सुबह 11 बजे बुलाई गई है। इसलिए जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो मेरी बातों को सुन रहे हैं उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE 2 और TRE 1 को लेकर जो अपडेट है, आपको पता है कि इसके मामले में साल लगभग दर्जनों याचिकाएं जो है माननीय उच्च न्यायालय में दायर हो चुकी है। सारे विषयों पर जो है अपडेट सुनवाई भी हो रही है और उम्मीद करते हैं कि कुछ न कुछ उचित कार्रवाई सरकार के समक्ष होनी चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय के शरण में हम लोग गए हैं तो उसके तरफ से जो भी याचिका दायर हुई है उसके संदर्भ में जो डिसीजन होगा माननीय उच्च न्यायालय का उसको सर्वमान्य मानना होगा और उम्मीद करते हैं कि छात्र हित में कोई फैसला हो। TRE 2 में 14,700 पदों पर जो सूची भेजी गई थी, जैसा साथियों आपको सबको पता है कि शिक्षा विभाग ने सूची भेजी BPSC को और BPSC ने इंतजार किया, नहीं रिजल्ट पब्लिश किया और दोबारा शिक्षा विभाग ने वो सूची जो है वो चिट्ठी जो है वापस ले ली। तो अप टू डेट आपको सारी चीज़ों पर और जितनी भी चीज़ें थी, आपको पता है कि DPCM से 2 बार मुलाकात हुई, 14 फरवरी को फिर 19 फरवरी को। उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस मामले में STT अपीयरिंग, DLED अपीयरिंग और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो उनका वक्तव्य था कि शिक्षा विभाग कैसे से कर सकता है कि चिट्ठी भेजकर वापस भेज सकता है और BPSC ने इस मामले में BPSC शिक्षा विभाग ने दोनों मामले में लीपापोती कर ली। और जितने भी अभ्यर्थी थे TRE 1 से लेकर TRE 2 तक जो पूरक परिणाम के मांग को लेकर लगातार विरोध कर रहे थे, वो सारे विषयों पर अगर बात करेंगे तो अब जो चीज़ें हैं उस मामले में सरकार के तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया और आगे क्या होगा, क्योंकि फॉर्म भरने की आखिरी तिथि कल ही है और कल ही एक महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई गई है। तो अब क्या फॉर्म अप्लाई करने की तिथि बढ़ाई जाएगी, STT अपीयरिंग वाले को मौका नहीं मिलेगा और सारे विषय पर और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए जो डिमांड थी जिनके एज खत्म हो गए हों, जो परीक्षा में बैठने की जो बाध्यता है उनकी वो उनकी समाप्त हो गई है, तो क्या उनको मिनिमम कट ऑफ को अगर कोई पार कर लिया है, चाहे वो TGT PGT और TRE सब में 1-5 से लेकर 11-12 तक, तो क्या उसको एक मौका नहीं मिलना चाहिए था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर जिस तरह की धोखाधड़ी की गई, आयोग और विभाग ने जिस तरह से लोगों को लीपापोती करने का प्रयास किया, तो सारी चीज़ें अब लगभग सरकार के समक्ष थी। और सरकार के वो दो प्रमुख नेता जो उस समय विपक्ष में थे आज सत्ता में हैं और विरोधी दल के नेता सम्राट चौधरी और श्री विजय सिन्हा दोनों विधानसभा विधान परिषद में दोनों विरोधी दल के नेता थे और आज दोनों बिहार के DPCM हैं। तो सरकार के समक्ष उन सारी चुनौतियों का सामना आपको करना है। अब सारी बातें जो है वो महागठबंधन से न होकर NDA से होगी और भारतीय जनता पार्टी प्रमुख साझेदार है जनता दल यूनाइटेड के साथ इस सरकार में। तो सरकार के समक्ष, और आपको याद होगा कि इसके पहले भी जब BJP कार्यालय जो पटना का मुख्यालय स्थित में लोग गए थे तो वहाँ पर एक पुलिस बलपूर्वक हटाया गया, मारा पीटा गया और न्यूज ऐसा फ्लैश हुआ कि सम्राट चौधरी लोगों से बातचीत किए हैं, समस्याओं का समाधान होगा, चाहे नियोजित शिक्षकों का मामला हो। तो नियोजित शिक्षकों का मामला भी तो जस के तस पड़ा हुआ है, उसमें मामले में कोई विशेष तो कार्रवाई नहीं है, बस यही हुआ है कि परीक्षा को 3 बार से 5 बार कराना है ऑफलाइन ऑनलाइन मिलाकर। और जो चीज़ें हैं कि राजकर्मी का दर्जा पाने के लिए परीक्षा में बैठना होगा, जिसकी फॉर्म भरने की आखिरी तिथि कल यानी 26 तारीख से उसकी चीज़ें शुरू हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि क्या सक्षमता परीक्षा में बैठना, राजकर्मी का दर्जा लेने के लिए अगर आप फेल करते हैं तो नौकरी से वंचित होना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है जिसके लिए राज्य सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। और लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा आवेदन सक्षमता परीक्षा के लिए नियोजित शिक्षकों ने अप्लाई किया है। आप सबको पता है कि सारे मुद्दे सारे विषय सरकार के संज्ञान में होते हुए भी अभी मामला KK पाठक, राजभवन, विधानसभा में उनके दिए गए वक्तव्य और जितनी भी चीज़ें स्कूल की टाइमिंग को लेकर जो विवाद है, 10 बजे से 4 बजे करना, 3:30 से 9:30 करना, फिर मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य आता है, फिर उसके बाद एक वीडियो भी जारी हुआ है KK पाठक का कि इस तरह की चीज़ें सामने आई है, उन्होंने जिस अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया,
तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव होने के लिए जितने भी नियम कानून या जो भी संविधान के तहत चलना है, विधि सम्मत चलना है, उसके इतर कुछ अगर बातें होती हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उस सभी को एक विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के अनुसार अगर आप हैं उसमें, तो आपको एक लॉ के अनुसार आपको चलना होगा। लेकिन अगर शिक्षा विभाग के किसी भी विभागीय मंत्री या सचिव का दायित्व होता है कि उस विभाग के कामों को सरकार की जो दायित्व है या सरकार की जो पॉलिसी है उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट करें, लेकिन यहाँ पर तो उल्टे सरकार ने, अगर आप शिक्षा विभाग के सचिव हैं तो शिक्षकों से आपको बातचीत करनी होगी, उल्टे शिक्षकों के साथ अभद्र व्यवहार करना, कई वीडियो उनके जारी हुए हैं। किसी भी विभाग में जाते हैं तो अपने आप को रॉबिन हुड पता नहीं क्या समझते हैं वो, और मुख्यमंत्री जी तो उनको नाक का बाल बनाकर रखे हैं। और आपको याद होगा कि जो व्यक्ति नाक का बाल है आज ना कल वो गले का फांस बन जाएगा। और जितने भी सदस्य हैं, चाहे शिक्षा निर्वाचन क्षेत्र से चुन कर आए हों, विधानसभा या विधान परिषद में जो चुन के आए हैं, सभी के बीच में एक सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी के लिए कहीं ना कहीं सिर दर्द का सिर दर्द बन गए हैं के पाठक। और के पाठक बेशक ईमानदार अफसर हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं हुआ कि आपको लाइसेंस मिल गया है कि किसी भी शिक्षक को के साथ अभद्र व्यवहार करे, गाली गलौज करे। कई जनता के प्रतिनिधि होते हैं जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, उनके साथ आपने गलत व्यवहार किया, राजभवन के साथ टकराव हुआ, गवर्नर के पत्रों के द्वारा जो पत्रचार हुआ उसके बीच में भी काफ़ी चीज़ें ऐसे हैं जो आप राजभवन से भी टकराना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में भी आपने पावर का यूज करना चाहते हैं। तो यूनिवर्सिटी के जो हेड होते हैं वो वाइस चांसलर के हेड होते हैं, वो चांसलर होते हैं यानी गवर्नर होते हैं, तो गवर्नर के साथ आपकी क्या बातचीत हो रही है तो आप समझ सकते हैं। के पाठक के विवाद को जल्द से जल्द सुलझाना राज्य सरकार का दायित्व है। मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद भी स्कूल की टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ, 9 बजे से लेकर 5 बजे तक आपको रहना है विद्यालय में, इस तरह के वीडियो जारी हुए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति कितना पावरफुल कैसे बन सकता है जब मुख्यमंत्री की बातों का अवहेलना हो, घोर अपमान हुआ है सदन में बोलने के बाद भी। अब आप इस चीज़ को समझिए, कल की बैठक है, इसलिए जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के मांग को लेकर, एसटीटी अपेयरिंग, एज रिलैक्सेशन और अटेम्प्ट, सारे मांग को लेकर कल महत्वपूर्ण बैठक है, आप सभी को शामिल होना है। निश्चित रूप से अपनी मांगों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, सारे विषयों पर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार के समक्ष जो चुनौती है, एनडीए सरकार के समक्ष, वो भर्ती प्रक्रिया को सही ढंग से कराने के अलावा छात्रों और अभ्यर्थियों की बातों को और उनकी जो समस्या है, उनके ग्रीवांस है, उनको सॉल्व करना भी एक अन्य कारण है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। और लगातार छात्रों युवाओं के बीच में जो संवादहीनता की कमी है, यहाँ तक कि डीपीसीएम से बात करने के बाद भी चीज़ें जस के तस रह गए, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो बात आप समझ सकते हैं कि विधानसभा विधान परिषद में जो जितने भी नेता लीडर हैं उनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट, एसटीटी अपेयरिंग, डीएलडी अपेयरिंग या जो फर्जीवाड़ा बड़े पैमाने पर TRE 1 से लेकर TRE 2 तक हुआ, सभी पर उनको उनके किसी भी तरीके से बस प्रेस में बोलने हैं और प्रश्न उठाना और मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बातों को रखने के लिए उनके पास कोई समय नहीं है। मुझे लगता है कि सारे विषयों पर हम लोग बैठेंगे और बात करेंगे। ठीक है साथियों, कल 11 बजे हम लोग मिलते हैं सुबह गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के पास। जय हिंद।